हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बूस्टर्स। आज हम बात करेंगे कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, एंड साइड बाय साइड आई विल ट्राई टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि उन ईडियम्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईडियम की, विच मींस एकिलीज हील। अब देखिए, एकिलीज हील बहुत बार जो है पेपर में आ चुका है, इसका मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद पता भी होगा, तो लेट्स फाइंड आउट इसका मीनिंग क्या है। देखिए, एकिलीज वॉज अ ग्रीक हीरो जिसका एक हील जो था, यानी उसकी जो एड़ी जिसको बोलते हैं, इट वॉज इज वीक स्पॉट। ठीक है, तो एकिलीज हील होता है वीक स्पॉट। जैसे आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे स्क्रिप्चर्स में, फॉर एग्जांपल रावण की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिज नेवल वॉज इज वीक स्पॉट, है ना, उस पर लगते ही, बाण लगते ही कोलैप्स्ड। सो दैट वॉज हिज एकिलीज हील। ठीक है, सो किसी का भी कोई वीक स्पॉट होता है, कोई कमजोरी या कुछ भी इस तरीके से जिससे वो पर्सन टोटली शैटर हो जाए, दैट इज कॉल्ड हिज एकिलीज हील। तो इस हिसाब से अगर आप स्टोरीज से कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको बातें जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, नाउ टू हैव फीट ऑफ क्ले, व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग फीट ऑफ क्ले? टू बी फ्लॉड, टू बी नेचुरल, सॉफ्ट स्पोकन, और टू यील्ड ईजिली, समबडी हु सरेंडर्स वेरी इजिली। देखिए, फीट ऑफ क्ले होने का मतलब है जब आप में बहुत सारी कमियाँ हों, राइट? सो इट मीन्स दिस, टू बी फ्लॉड। किसी के फीट ऑफ क्ले है मतलब उस पर्सन में जो है कोई स्टैंड नहीं है अपना, है ना। हाउ इज क्ले? इट्स वेरी सॉफ्ट। सो समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ वीकनेसेस, राइट, इज कॉल्ड हैविंग फीट ऑफ क्ले। नाउ अ ब्लैंकेट रेगुलेशन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ऑप्शंस को, वन रूल दैट इज अप्लाइड टू ऑल अलाइक, अ रूल दैट हैज एक्सेप्शंस, अ रेगुलेशन दैट इज डिसलाइक्ड बाय ऑल, रूल दैट इनकरेजेस लॉलेसनेस। ठीक है, देखो ब्लैंकेट का काम होता है, इट कवर्स एवरीथिंग, राइट, इट कवर्स एवरीथिंग। इफ यू प्लेस अ ब्लैंकेट ऑन समथिंग, इट विल कवर एवरीथिंग। सो ब्लैंकेट रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रूल या रेगुलेशन जो सब पे जो है वो अप्लाई होता हो बिना किसी एक्सेप्शन के। सो वॉट इज द आंसर? द आंसर विल बी ए, अ रूल दैट इज अप्लाइड टू ऑल द पीपल अलाइक। ओके, that is A. Now, next we are going to talk about, he faced the music for reaching home late. What is the meaning of facing the music? अगर आपको कोई कहे कि he has faced the music, तो does it mean faced punishment, faced entertainment, faced reprimand या faced pleasure? Facing the music का मतलब होता है facing punishment. ठीक है, तो बहुत इजी है ये और बहुत बार आ चुका है, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसको आप थोड़ा स्टार करके लगा लो, दैट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिमेंबर। द कैप्टन्स अथॉरिटी एंड कंडक्ट हैव रिवील्ड एन आयरन हैंड एंड अ वेलवेट ग्लव। अब देखो, आप खुद सोचो, ज़रा इमेजिन करो, वेलवेट ग्लव, यानी वेलवेट एक फैब्रिक होता है, ठीक है, इट्स वेरी सॉफ्ट। अगर वेलवेट ग्लव के अंदर एक आयरन हैंड है, इट मीन्स कि ऊपर की जो चीज़ है वो ऐसा लग रहा है इट्स वेरी सॉफ्ट, बट इनसाइड इट्स वेरी हार्ड, और से यू कैन से वेरी स्ट्रिक्ट। सो डज इट मीन डिसऑनेस्टी, कॉन्ट्रडिक्शंस इन बिहेवियर, स्ट्रेंथ एंड सॉफ्ट हेडेडनेस, या फिर फोर्सफुल एक्शन कंसील्ड इन रिस्ट्रेन्ड वर्ड्स? तो ऊपर से कोई चीज़ जो बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर लग रही है, बट इनसाइड इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड फर्म। सो वॉट इज गोइंग टू बी द आंसर? द आंसर इज गोइंग टू बी डी, दैट इज द ऑप्शन दैट मैचेज द बेस्ट। कि बाहर से आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम दिख रहा है, लेकिन अंदर से ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, दैट इज एन आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव। द बॉय हैड अ नाइस हॉलीडे बट द लैंडलॉर्ड्स रिब्यूक टुक द गिल्ट ऑफ द जिंजर ब्रेड। किसी गिल्ट ऑफ द जिंजर ब्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ का, मतलब जो मेन उसका मज़ा था वो ख़राब कर देना, राइट? मान लो आप कहीं घूम के आए, ठीक है, जब आप वापसी पे आ रहे हो तो आपका पूरा बहुत ट्रिप अच्छा था, लेकिन जब आप वापसी पे आ रहे हो, योर व्हाट डू यू से, योर ट्रांसपोर्ट और योर जर्नी वाज नॉट गुड, सो इट टुक द गिल्ट ऑफ द जिंजर ब्रेड। इसका मतलब कि उसे सारा मज़ा ख़राब कर दिया। सो द आंसर वुड बी अपसेट द मूड। ओके, द प्रोड्यूसर नोज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स, सारे ट्रिक्स का बैग, यानी एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ऑल, इट मीन्स कंप्लीटली, एंटायरली, राइट? विद द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज इन द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स का मतलब होता है व्हेन यू आर लो स्पिरिटेड, लो स्पिरिटेड यानी व्हेन यू आर नॉट वेरी ब्राइट। सो व्हाट इज द आंसर? डल।
लास्ट क्वेश्चन बूस्टर सीरीज का, चलिए. सुनील थॉट दिस हिज स्किल वुड मैच अप टू केशव्स बल्क, बट इन द फाइट ही वाज बीटन नेक एंड क्रॉप. नेक एंड क्रॉप मतलब पूरे तरीके से, ठीक है? तो आंसर इज कंप्लीटली, पूरे तरीके से उसको मारा गया. सो द आंसर वुड बी बीटा. ठीक है, सो ये कुछ idioms जो थे वो थोड़े से न्यू है, इंटरेस्टिंग है. तो आई होप आपको ये सही लगे होंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन. प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग.